गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज साइंस की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फ्यू का टॉपिक डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस के बारे में आगे कंटिन्यू कराएंगे। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज अ कैरीज ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोस। अब क्या होता है, बहुत सारे इंसेक्ट और एनिमल ऐसे रहते जो क्या करते हैं, कैरियर्स रहते हैं डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोब, उसके जो डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोब रहते हैं उनसे बीमारियां फैलाते हैं। हाउस फ्लाई इज सच करियर। हाउस फ्लाई मतलब जो मक्खी रहती है वो क्या है, इनमें से एक है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सेट्रा। ये जो मक्खी रहती है क्या करती है, कचरे पर बैठ जाती है। पैथोजन स्टिक देयर बॉडीज, और क्या होते हैं उसमें पैथोजन, कल आपको बताया था पैथोजन्स मतलब क्या होते हैं, माइक्रो जम्स रहते हैं और उस पर क्या हो जाते हैं, जम्स लग जाते हैं। व्हेन दिस फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजन्स। और फिर वो जो मक्खी रहती है वो अपनी बॉडी में क्या लेके आती है, जर्म्स लेके आती है, और वो ऐसी कैसी किस पर बैठ जाती है, खुले खाने पर बैठ जाती है। हाउएवर इट द कंटेनोटेंट फूड इज़ लाइकली गेट सिक। अब जिस जिसने वो खाना खाया है वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। सो इट इज़ एडवाइसेबल टू ऑलवेज गिव फूड कवर। इसीलिए हमें हमेशा कहा जाता है कि खाने को कैसा रखना चाहिए, ढाक कर रखना चाहिए। अवॉइड ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, अवॉइड कंज्यूम अनकवर्ड आइटम फूड। अब कभी भी खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, उसको खाने से हमेशा बचना चाहिए। अनादर एग्जाम्पल ऑफ करियर इज द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अब दूसरा जो करियर का एग्जाम्पल है वो क्या है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो मतलब मच्छर। फिगर 2.8 जो आप फिगर 2.8 में देखिए, विच कैरीज द पैरासिट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। ये क्या करती है, फीमेल एनोफिलस जो होती है ये क्या करती है, मलेरिया के जो पैरासिटिस होते हैं, मलेरिया के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अपने अंदर रखती है, क्या बोलते हैं उसे, प्लाज्मोडियम। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज करियर ऑफ डेंगू वायरस। और फीमेल जो एडिस मॉस्किटो होती है वो डेंगू वायरस का करियर रहती है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। अब हम मलेरिया और डेंगू से कैसे बच सकते हैं, डायग्राम देखिए आप, फीमेल एनोफिलस का मच्छर है ये। Why does the teacher keep telling us not to let water collect anywhere in the neighborhood? अब वो जो पहेली थी उसने सोचा कि टीचर हमेशा ऐसा क्यों बोलती है कि क्या बोलते, कहीं भी पानी जमा नहीं होना चाहिए, वाटर को आसपास में कहीं भी पानी नहीं जमा होना चाहिए। All mosquito breed in water। टीचर ऐसा क्यों बोलती है, क्योंकि जो मच्छर रहते हैं वो कहाँ पर जीवित रहते हैं, पानी में। Hence one should not let water collected anywhere। इसीलिए पानी को कहीं भी इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए, इन कूलर्स टायर्स फ्लावर पॉट एक्सेट्रा, ना कूलर में ना टायर्स में ना फ्लावर पॉट में। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। जब हमारे आसपास का वातावरण जो है वो साफ सुथरा रहेगा तो वहाँ पर मच्छर की उत्पत्ति नहीं होगी। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब क्या करना है, आपको एक ऐसी लिस्ट बनाना है जिसमें क्या करें, आप मलेरिया को फैलने से रोकें। सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉस्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इस टेबल में आपको कॉमन ह्यूमन डिसीजेस बताई है जो किसके द्वारा फैलती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ह्यूमन डिसीजेस कॉजिकेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन प्रिवेंटिव मेजर्स। अब क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, पहली आती ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया है एयर के द्वारा फैलती है और इसमें को क्या करना चाहिए, मील्स, ये वायरस है ये भी एयर के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स, ये भी वायरस है ये भी एयर के द्वारा और कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलता है। पोलियो भी वायरस है, ये एयर और वाटर के द्वारा फैलता है। अब इससे क्या बोल रहा है, किस प्रकार इससे हम बच सकते हैं, कीप द पेशेंट इन अ कंप्लीट आइसोलेशन। ये जो जिसको भी ये बीमारी हुई है उसको क्या करें, आइसोलेशन मतलब उसे थोड़े दिन के लिए अकेला रहने दें। कीप द पर्सन बिलोंगिंग टू पेशेंट अवे फ्रॉम दोज हु अदर। अब उस पर्सन को क्या करना चाहिए, सबसे दूर रहना चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन अ सुटेबल एज, और उसको क्या हो, उसकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या दिया जाए, वैक्सीनेशन दिया जाए। फिर आता है कोलेरिया, बैक्टीरिया है फूड और वाटर से होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया है, वाटर से होता है।
मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिटेट। आपको आपकी जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करना है और सैनिटरी हैबिट भी आपकी कैसी होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फॉर फूड एंड बॉइलिंग ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन। आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए, उबला हुआ पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन लेना चाहिए। हेपेटाइटिस ए, अब हेपेटाइटिस ए क्या है, वायरस है और ये किसके द्वारा फैलता है, वाटर के द्वारा। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन, हमेशा उबला हुआ पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन प्रॉपरली लेना चाहिए। मलेरिया, अब मलेरिया प्रोटोजोआ है, मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, मॉस्किटो नेट मतलब मच्छर की जाली और मच्छर मारने की दवाओं का यूज़ करना चाहिए। स्प्रेड इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। स्प्रे करना चाहिए, कीटनाशक दवाइयों का छिटकाव करना चाहिए और क्या करना चाहिए, जो मच्छर उत्पन्न होते हैं और आसपास पानी का खड्डा नहीं भरा रहना चाहिए जिससे कि क्या हो, वहाँ पर मच्छर ना पनपे। सम ऑफ द कॉमन डिसीजेज अफेक्टिंग ह्यूमन्स, दे आर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड टू प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। अब कुछ कॉमन ऐसी डिसीजेस है जो हमने आपको इस टेबल में बताई है। अब क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीजेस कॉज करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिसीजेस इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ जो है वो मनुष्य में या पेड़ पौधों में ही बीमारी नहीं फैलाते बल्कि जानवरों में भी ये बीमारी फैलाते हैं। रॉबर्ट कॉच 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बेसिसस एंटेरिस विच कॉजेस एंथ्रेक्स डिसीजेस। जो रॉबर्ट कॉच थे 1876 में, इन्होंने क्या की थी, बेसिसल एंथ्रेक्स डिसीज बताई थी। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। एंथ्रेक्स क्या है, एक बहुत ही घातक बीमारी है, बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है। फूड एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस, और जो फूड और माउथ डिसीज होती है कैटल्स में, ये वायरसेस के द्वारा होती है। डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, अब प्लांट में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज फैलाते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस डिसीजेस इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटेटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। जो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिसके अंदर डिसीजेस होती है, जैसे कि गेहूँ में, चावल में, आलू में, गन्ने में, संतरे में, एप्पल में और बहुत सारी अदर्स। द डिसीजेस रिड्यूसिंग द यील्ड ऑफ क्रॉप, सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिसीजेस। ये क्या करते हैं, जो उसके प्लांट की जो रिड्यूस मतलब बढ़ने वाली क्षमता रहती है उसको ख़त्म कर देते हैं। आपको टेबल 2.2 में ये बताया है। दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। अब ये कैसे कंट्रोल किया जाता है, केमिकल यूज़ करने पर जो ये माइक्रोब्स को ख़त्म कर दे। सम कॉमन प्लांट डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब कुछ कॉमन प्लांट डिसीजेस बताइए आपको जो किसके कारण होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। प्लांट डिसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन। साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया किसके द्वारा फैलता है, एयर के द्वारा। रस्ट ऑफ वीट फंगी एयर और सीड्स। येल्लो वैन मॉजिक ऑफ भिंडी ओकरा, भिंडी को क्या कहते हैं, ओकरा, ये भी किससे होते हैं, वायरस और इंसेक्ट से। एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फूड पॉइजनिंग के बारे में समझाएंगे। अगर ये चैप्टर आपका स्टार्टिंग से छूट गया है तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको पूरा स्टार्टिंग से समझ सकते हैं।